हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो एक बैड न्यूज़ आ रही फाला 84 की तरफ से, जो 13.2 का अपडेट आने वाला था वो डिले कर दिया गया है, और इसकी जो है डेट अभी फिक्स नहीं है। जैसे ही आप लोगों के लिए डेट अनाउंस होगी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियो के ज़रिए से। और इसके अलावा कुछ लोग मुझसे कॉन्फ़िग के बारे में पूछ रहे थे कि फाला 84 में कॉन्फ़िग यूज़ करना ठीक है या फिर नहीं है। तो मैं तो बहुत बोलूँगा ये कि आप लोग उससे बच के रहिए, क्योंकि फाला 84 जो गेम है अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, और जो भी बग्स वगैरह हैं वो खुद वही लोग फिक्स करेंगे। आप अपनी तरफ से फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये लीगल नहीं होगा। मान लीजिए कि जो गेम है उसमें फाइल में कुछ और कॉन्फ़िग फाइल आप लोग डाल देते हैं तो ये लीगल नहीं होता है। बाकी आप लोग अपने मोबाइल की वजह से लैग देखने को मिल रहा तो वो होगा भाई, उसको छोड़िए। आप लोग उस जितना हो सकता है, मान लीजिए रैम फ्री रखने की कोशिश कीजिए, स्टोरेज फ्री रखने की कोशिश कीजिए। तो इस वजह से अगर लैग हो रहा होगा तो फिक्स हो जाएगा, नहीं तो कॉन्फ़िग यूज़ करेंगे तो वो इलीगल होगा और गेम और उस पर एक्शन ले सकते हैं, आपकी आईडी बैन हो सकती है। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं कि जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, मतलब जो कॉन्फ़िग फाइल की वीडियोस बनाते हैं या फिर कोई बग ग्लिचेस यूज़ करके उसमें से कुछ कुछ करते रहते हैं, तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं ये जो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होती हैं। तो गेम वाले चाहें तो इस पर स्ट्राइक भेज सकते हैं आप लोगों के चैनल पर। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ। जब पबजी मोबाइल लाइट की मैं वीडियो देखता था तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे चैनल थे जो वीडियो जो टर्मिनेट कर दिया गया। वो रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि वो कुछ लोग उसमें कॉन्फ़िग फाइल की वीडियोस बनाते थे और कुछ उसमें जो ऐसा करते थे कि बग ग्लिचेस, ये बग कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए उसमें एक पीडीए में एक बग था पबजी मोबाइल लाइट में, कि उसमें आप लोग ज़मीन के अंदर चले जाते थे और ज़मीन के अंदर जाके बंदों को मार सकते थे। तो इस तरह की वीडियोस जो बनाते थे उनकी चैनल पर आ गई कॉपीराइट स्ट्राइक गेम वालों की तरफ से, टेंशन की तरफ से आई थी। और अभी फॉरलाइट 84 वाले चाहें तो आपके चैनल पर स्ट्राइक भेज सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग इस तरह की वीडियोस मत बनाइए, और ऐसा नहीं कि वो स्ट्राइक अभी आएगी या कभी आएगी, गेम वालों को जब मन किया तब भेज सकते हैं। जैसे कि उसमें कुछ चैनल जो थे उनके जब मिलियंस में व्यू गए, जब चैनल वालों को पता चला कि इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं या इस तरह कांड किए जा रहे हैं, तो चैनल वालों ने सभी के सभी को वहाँ पे स्ट्राइक भेज दिया और उसमें कई सारे बहुत सारे चैनल टर्मिनेट कर दिए गए थे। मतलब बहुत सारे चैनल बंद हो गए थे, और वो ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चैनल थे, लाखों लाखों में सब्सक्राइबर थे, किसी किसी के 2-2 लाख थे या उससे ऊपर भी थे। तो मैं आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इस तरह की वीडियोज़ मत बनाइए, इससे आपके चैनल को फायदा रहेगा। सो आज की वीडियो बस इतनी था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।